नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल ढोकला। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें मैं एक कटोरी के करीब बेसन लिया है, अब इसको डाल दूँगी। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक और एक चम्मच के करीब हल्दी और थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इसका ज़्यादा हम पतला बैटर नहीं बनाएंगे। अब ये बैटर मैंने अच्छी तरह बना लिया। अब इसमें मैं जिस कटोरी से बेसन ली थी उसी कटोरी में थोड़ा सा मैं सूजी डालूँगी। इसमें करीब आधी कटोरी के करीब मैंने सूजी लिया है, इसको मिला लेंगे। अब इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरह। देखिए ज़्यादा मेरा पतला बैटर नहीं है। अब इसमें हम सब्जियाँ डालेंगे। देखिए मैंने क्या क्या सब्जियाँ ली हैं। टेबल ढोकला है तो एक एक गाजर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छी तरह। और ये स्वीट कॉर्न है और ये बंधा गोभी है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये शिमला मिर्च है, एक शिमला मिर्च है, इसको भी छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और ये बीन्स है, इन सब में हम मिला लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी बनता है। अगर आपको आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इसमें जो भी सब्जी हो काट के डाल सकते हैं और ये खाने में भी टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी और मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये देखिए अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम थोड़ा सा पाउडर शुगर डालेंगे, करीब एक चम्मच के करीब, और ये आधी चम्मच, डेढ़ चम्मच के करीब मैंने पाउडर शुगर डाला है। इससे क्या होगा, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। इसमें नमक थोड़ा चख लें, अगर कम हो तो फिर आप थोड़ा सा नमक डाल लें। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी ताकि मैंने जो सूजी डाला है वो अच्छी तरह फूल जाए। तब तक मैं पानी गर्म करने के लिए कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ ताकि इसको मुझे इसमें स्टीम करना है। ये देखिए 15 मिनट से मेरा ये बैटर फूल रहा है, अब अच्छी तरह फूल चुका है। अब इसमें मैं ये फ्रूट सॉल्ट डालूँगी। इसको जब आपको स्टीम करना हो, जब पकाना हो तभी डालें, पहले से डाल के ना रखें। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। मैंने एक बर्तन लिया, इसमें ऑयल लगा दिया है मैंने, अब इसको डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैंने बीटरूट लिया है, इसको ऊपर से अंदर नहीं डाली, जो सारा लाल लाल हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे हम ताकि ये जब पके तो देखने में भी अच्छा लगे ये, और खाने में तो हेल्दी है ही ये। ये देखिए मैंने पानी पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा डाल देंगे। करीब 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही डाल के पकाएंगे और इसको बार बार खोल के चेक ना करें, नहीं तो ये अच्छी तरह पकेगा नहीं। 15 मिनट के बाद हम इसको चक्कू डाल के देखेंगे ये पका है कि नहीं। अगर नहीं पका होगा तो 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। और इसको मैं अच्छी तरह ढक दूँगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। देखिए मेरे 15 मिनट से तैयार हो रहा है ढोकला। एक बार मैं इसको चेक कर चुकी थी, 15 मिनट में ये मेरा अभी तैयार नहीं हुआ था। मैंने 5 मिनट के लिए और इसको स्टीम करने के लिए छोड़ दिया पकने के लिए। अब ये मेरा तैयार हो गया है।
मैं एक टूथपिक डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब मेरा ढोकला तैयार है। अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गैस में बंद कर देती हूँ। इसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। पहले सबसे पहले तो इसको हम तड़का लगाएंगे। अभी इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। गैस बंद कर देती हूँ। मैंने तड़का वाला ले लिया है। इसमें हम कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे, करीब 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें मैं हरी मिर्च और कढ़ी पत्ते डाले हूँ। ये मेरा तड़का हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। अब इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा करके। अब इसको मैं आपको प्लेट में डाल के, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा गर्म ही खाने में ही टेस्टी लगता है। ये प्लेट में लगा लिया। इसको और टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज। आजकल बच्चे सब में चाहते हैं जो मेयोनीज और चीज़ पिज़्ज़ा का फ्लेवर आए। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज। ये मैंने थोड़ा सा सेव भुजिया लिया है, इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे ताकि चटपटा टेस्ट आए। ठीक है, ये मेरा वेजिटेबल ढोकला तैयार है, हेल्दी और टेस्टी। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। Thank you.